चंद्रयान 3 के चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद रविवार 6 अगस्त को इसरो ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में चंद्रयान 3 से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने वीडियो के साथ लिखा कि चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा का नजारा जब 5 अगस्त को उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जा रहा था। वीडियो के जरिए जारी तस्वीरों में चंद्रमा को नीले हरे रंग में दिखाया गया है। चांद पर कई गड्ढों को भी साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो रविवार देर रात होने वाले दूसरे बड़े मनूवर से कुछ घंटे पहले जारी किया गया, यानी आज चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 पर ताजा अपडेट देते हुए बताया है कि वो सही से काम कर रहा है। इसरो ने बताया था कि रविवार रात को 11:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ये चंद्रमा का चक्कर काटते हुए फिर से अपना ऑर्बिट बदलेगा। उसके बाद आगे कई जटिल प्रक्रियाओं के बाद 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को चंद्रमा के करीब लाने के लिए अभी और 4 प्रक्रियाएं होनी हैं। आज कक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया के बाद 17 अगस्त तक 3 और प्रक्रियाएं होंगी, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया होगी। इसरो के मुताबिक यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। आज की प्रक्रिया के बाद चंद्रयान की ऑर्बिट को 10,000 से 12,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4,000 से 5,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1,000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर के इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 × 45 किलोमीटर ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी, लेकिन अभी 18 दिन की यात्रा बची है। टीम न्यूज नेशन डिजिटल।